के लिए कहा गया, सा विद्या तन मतिर जया। विद्या वही है जिससे ये दोनों प्रकार के उत्थान हो। हम दो हैं, एक तो हम नाम का शरीर है और एक हम नाम की आत्मा है। दोनों का उत्थान आवश्यक है और ये विद्या से ही हो सकता है। अध्यापकों को, प्रमुख रूप से बच्चों को यही शिक्षा देनी चाहिए कि दोनों उत्थान की ओर ध्यान देना है। केवल भौतिक उत्थान से कल्याण नहीं हो सकता। आप लोग वर्तमान जगत को देख रहे हैं, भौतिक उत्थान के द्वारा अनेक डेंजरस आविष्कार कर करके भौतिक विज्ञानियों ने सारे संसार में भयानक वातावरण पैदा कर दिया है, जिसको हम लोग वर्तमान काल में आतंकवाद कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति भीतर से भयभीत है, अशांत है, टेंशन में है, तो ऐसे भौतिक उत्थान को उत्थान नहीं कह सकते। हमें इस भौतिक विज्ञान के उपयोग के लिए भी आंतरिक उत्थान करना चाहिए, जिसमें हमारे दैवी गुणों की वृद्धि हो, दूसरे के प्रति सद्भावना हो, परोपकार की भावना हो, दया की भावना हो, दीनहीन जीवों के प्रति भगवत भावना के द्वारा सेवा भावना हो, ये सद्गुणों का विकास परम आवश्यक है। जब तक ये न होगा तब तक कोई भी देश या विश्व सोने की लंका बन जाए तो भी अशांति ही परिणाम में प्राप्त होगी। इसलिए बच्चों के मस्तिष्क में यही भरना है कि तुमको सद्गुणों के विकास पर भी विशेष ध्यान देना है। नम्रता, मीठा बोलना, माता पिता आदि गुरुजनों का सम्मान करना और अच्छे बच्चों का सत्संग संग करना, अच्छी पुस्तकें पढ़ना, जिससे हमारी बुद्धि में अच्छी अच्छी भावनाएं पैदा हों और हम एक दिन जैसे प्राचीन काल के गुरुकुल में विद्यार्थी तैयार होते थे, उनमें भीतरीय सद्गुण भी रहता था, ऐसे ही हम अपने बच्चों को तैयार करें। हम आशा करते हैं कि हमारे अध्यापक गण हमारे इस निवेदन पर विशेष ध्यान देंगे और भौतिक पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी देर इस विषय पर भी प्रकाश डालते जाएंगे। धन्यवाद। के लिए जो भी उच्च कोटि की सुविधाएं प्रदान किया, उसके लिए हम सभी हृदय से आभारी हैं। जिसको व्यक्त करने के लिए हमारे पास कोई शब्द ही नहीं। सब बच्चों की स्कूल फीस माफ की जाती है। के बाद
डॉक्टर बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं केवल उन लोगों का इलाज करना चाहती हूँ जो गरीब होते हैं, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं वो अपना, अगर उन्हें कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो वो अच्छे से अपना इलाज नहीं कर पाते हैं और इस तरह में उनकी मौत हो जाती है। तो मैं एक फ्री इलाज के लिए मैं वो करना चाहूँगी ताकि मैं सारे गरीब जितने हैं वो उनका इलाज हो सके और वे अपनी लाइफ में वो अपनी लाइफ को बचा सके, वो उनकी ऐसी मौत ना हो जो बड़े बड़े बीमारी से वे मर जाते हैं। इस स्कूल में क्योंकि मुझे बहुत अच्छी एजुकेशन मिल रही है, मुझे हर तरीके से, मतलब किसी चीज़ में हम लोग को हिचकिचाहट होती है कोई भी चीज़ बोलने में या कोई चीज़ करने में, तो हमें इस स्कूल से सब कुछ हिचकिचाहट जो है वो दूर हो जाती है, तो हमें सब आगे करने के लिए कॉन्फिडेंस मिला है इस विद्यालय से। और मैं महाराज जी को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी कि वो मुझे ऐसी फ्री एजुकेशन दी, क्योंकि मैं इतनी भी हाई क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ कि मैं किसी कॉलेज या उसमें एजुकेशन ले सकूँ, तो मुझे फ्री एजुकेशन मिली। मैं यहाँ पे अच्छे से अच्छे अच्छे टीचर्स मुझे नॉलेज दे रहे हैं, तो मुझे ये मुझे बहुत थैंक यू महाराज जी और दीदी। मैं जो ड्रीम मैंने किया है, मैंने सोचा है कि मैं डॉक्टर बनूंगी, ये महाराज मैं महाराज जी एकदम विश्वास से मैं कह सकती हूँ, अगर महाराज जी ने मेरे लिए विद्यालय खोला है हम सभी छात्राओं के लिए, तो हम सभी ये प्रण लेते हैं कि हम लोग महाराज जी के लिए, उनकी इस विद्यालय के नाम के लिए हम हर चीज़ जो हमने सपना देखा है वो ज़रूर पूरा करके दिखाएंगे। ये हमारी दिल की ख्वाहिश है कि मैं महाराज जी के जो विद्यालय खोला है उन्होंने कि यहाँ पे आके सभी छात्राएं शिक्षा लें और आगे अपने फ्यूचर को ब्राइट करें, मैं उनको उसको ज़रूर पूरा करना चाहूँगी। फर्स्टली आई वांट टू से कि ये एक बहुत ही यूनिक स्कूल है जो सारे स्कूल से हर तरह से चेंज है। यहाँ के टीचर्स, यहाँ की क्लासरूम, यहाँ के टेक्स्ट पे एजुकेशन और फ्री में हर टाइप की एजुकेशन देना। इस टीचर के स्कूल केवल हमें चैप्टर्स नहीं पढ़ाते बल्कि वो हमें जीवन की हर क्षेत्र में हर तरह से हर प्रॉब्लम को फेस करने के तरीके बताते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में खुद को कैसे उस प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। हर तरीके प्रॉब्लम्स का सलूशन हमारे टीचर्स यहाँ पे हर तरीके से देते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग था स्कूल का। और सबके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो हिंदू हो या फिर किसी भी तरह से डिफरेंट, मतलब स्कूल में हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, डिफरेंट कास्ट की गर्ल्स हैं, तो सबके साथ एक तरह का व्यवहार किया जाता है। सारे टीचर्स एक तरह के साथ सबको पढ़ाते हैं, किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है, कोई भी पार्शियलिटी नहीं होती है। दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस स्कूल। आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, बिकॉज ये मेरे पापा का ड्रीम था। एंड मैं एक IAS ऑफिसर बनने के बाद लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, लोगों को ये इंस्पिरेशन देना चाहती हूँ कि वो अपनी कंट्री के लिए, अपने आसपास रहने वाले लोगों के लिए और अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए और अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक एग्जाम्पल के रूप में प्रेजेंट हूँ, एक अच्छे नागरिक बने और सबकी सेवा करें जैसे कि महाराज जी कर रहे हैं और दीदी कर रही हैं। और महाराज जी एंड दीदी, आई वांट टू से दैट एवरीथिंग कैन नॉट बी डिफाइंड इन वर्ड्स। मेरे पास कोई भी वर्ड्स नहीं है जिससे मैं उन्हें डिफाइन कर सकूँ, वो क्या कर रहे हैं, हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। मेरे पास वो वर्ड्स नहीं है जिसे मैं बता सकूँ, हमारे बहुमुखी विकास के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं। हमें टेक्निकल एजुकेशन के साथ मॉडर्न एजुकेशन और हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरह से हमारे मेंटल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट एंड हर तरह से हमारी हेल्प कर रहे हैं ताकि हम कुछ बन सकें। जब मैं इस कॉलेज में आई तब मुझे यहाँ के स्टैंडर्ड क्लासेस, पहली बार मुझे इस तरह की क्लासेस देखने को मिली। और यहाँ पे जो मैम सारे लोग हेल्प करती हैं हम लोग की, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ के जैसे हेल्प शायद मुझे नहीं लगता कहीं मिल सकती है। और जो हमें फ्री लेवल की यहाँ पे स्टडीज़ मिलती हैं और जो थिंग्स मिलती हैं शायद वो कहीं नहीं मिल सकती। और मैम ने जो हम लोग की हेल्प किया है स्टडी में, वो मुझे नहीं लगता कि कहीं मुझे मिल सकता है। और ये इस कॉलेज में पढ़ने के बाद मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ आई हैं जो मुझे लगता है कहीं भी नहीं मिल सकती, नहीं आ सकती थी, नहीं ग्रो हो सकती थी। यस, आई कैन से आई एम आल्सो इन अ जनरल फैमिली, आई एम नॉट फ्रॉम हाई फैमिली, सो आई कैन नो डैट टू बींग पुअर इज़ अ कर्ज, आई थिंक कर्ज, बट आफ्टर कमिंग हेयर एंड मीटिंग दिस टाइप ऑफ एजुकेशन
then I can feel that poor, being poor is not curse if like Maharaj ji type of person is living in this world. So, मुझे जहाँ तक लगता है कि यदि इस स्कूल में लड़कियाँ पढ़ रही हैं तो वो आगे कुछ ना कुछ जरूर करेंगी क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी डीपली टीचर्स नॉलेज देते हैं जिससे कि हम आगे कुछ कर सकें और मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं कुछ अपने विद्यालय के लिए करके दिखाऊँ और अपने विद्यालय का नाम रोशन करूँ. Education is the weapon which we can change the world. So, मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं इतनी अच्छी education खुद में इतना लाऊँ education जिससे कि मैं और भी बच्चों को पढ़ाऊँ. मतलब बड़े होने के बाद अपने जो education इतनी अच्छी रहे मेरे अंदर education की सारे मतलब अच्छे बच्चों को पढ़ाऊँ मैं. Thank you महाराज जी जो आपने हमें इतना अच्छा college दिया इसके लिए बहुत चाहती हूँ. मैं इस स्कूल में मैंने गुड मैनर्स सीखे, सच बोलना सीखे और किसी की भी हेल्प करनी भी सीखी. महाराज जी ने हमें जो शिक्षा दी है उससे हम आगे भी बढ़ सकते हैं, हमारे लाइफ में बहुत काम भी आ सकती है. महाराज जी का बहुत बहुत शुक्रिया. महाराज जी ने हमें बहुत सारी चीज़ें भी दी हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं. फेमस होके मैं पैसे कमाऊँगी और जिसे भी ज़रूरत है मैं उसे दूँगी भी. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने स्कूल में आने के बाद ये सीखी है, सबसे फर्स्ट थिंग तो ये था कि सबसे ज़्यादा मैं बोलने में बहुत हिचकिचाती थी. तो यहाँ पे आने के बाद सबसे फर्स्ट चीज़ जो मेरे में चेंज आया है वो है कॉन्फिडेंस. यहाँ पे आने के बाद यहाँ के टीचरों ने ये मतलब कैसे हम किसी सामने खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे हम किस चीज़ को कैसे पढ़ें, हर चीज़ की अलग अलग वो बताई गई हमें ताकि यहाँ पर पढ़ सकें अच्छे से. मैं पीसीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ इसलिए ताकि मैं अपने देश की सेवा कर सकूँ, शायद अपने फैमिली को जैसी अभी लाइफ है इससे अच्छी लाइफ दे सकूँ और अपने लिए भी एक अच्छी लाइफ तय कर सकूँ. पहले मैं महाराज जी को थैंक्स करना चाहती हूँ जिन्होंने कुंडा जैसे ऐसे मतलब ऐसे क्षेत्र में स्कूल खोला जिससे लड़कियाँ पढ़ सकती हैं. आजकल के समय में लोग लड़कियों को पढ़ाने के लिए बहुत वो करते हैं पर ऐसे फ्री स्कूल में हम लोग पढ़ रहे हैं और जो गरीब लड़कियां हैं सबसे ज़्यादा अच्छा तो उनके लिए है क्योंकि उनके घर वाले उनको पढ़ाना नहीं चाहते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है. और आज महाराज जी ने फ्री स्कूल खोला है जिससे वो लोग पढ़ सकती हैं. यहाँ पे हर टाइम पे दीदी हैं लोग आके कॉपी पेन बैग बॉटल टिफिन ये सब देती रहती हैं जिससे कि उनकी नॉर्मल जो वो है उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो रही हैं. मैम हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम दीन दुखियों की मदद करना चाहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं रहता उनकी मदद करना चाहते हैं. इस स्कूल में हमें बहुत सारा चीज़ सिखाया जाता है, सारी मैम बहुत अच्छी हैं और महाराज जी ने हमें सब कुछ दिया है. महाराज जी ने हमें ज्ञान दिया है इसलिए महाराज जी को हम थैंक यू बोलना चाहते हैं. मैं महाराज जी को थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे लिए फ्री शिक्षा दी है. एक कुंडा जैसी छोटी जगह पर हम कुछ भी नहीं थे लेकिन आज महाराज जी की वजह से हम इतने ऊँचे ऊपर जा सकते हैं. महाराज जी ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं जैसे कि टिफिन बॉटल कम्बल आदि बहुत सारी चीज़ें. हमारे महाराज जी हमें प्रोजेक्टर हर चीज़ें दिए हैं. मैं इसलिए महाराज जी को थैंक यू करना चाहती हूँ. दीदी हमारी प्यारी दीदी हमें बहुत प्यार करती है, हमें ढेर सारी चीज़ें देने आती हैं. थैंक यू दीदी महाराज जी आपने हमें इतनी सारी चीज़ें दी हैं. मुझे अपने आप पे गर्व है कि मैं इस स्कूल में पढ़ती हूँ, महाराज जी ने हमारे लिए इतना कुछ किया. मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ जैसे हम बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी उन्होंने जिससे हम आगे बढ़ सकें और उनका नाम हम हमेशा रोशन करेंगे. राधे हमारे महाराज जी और हमारी दीदियों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हम उन्हें थैंक यू बोलना चाहते हैं. उन्होंने हमारे लिए निशुल्क शिक्षा दी, हम उन्हें दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं. वो हमारे लिए इतना कुछ की, हमारे लिए निशुल्क विद्यालय खोली हैं. हम इससे बड़ा उपकार हमारा कोई नहीं है. जैसे फर्स यहाँ पे पढ़ने से डिफरेंटली सोचने का एक मीडियम मिला है. जैसे हम सारा सोचते आए हैं कि हम सिर्फ हमें पढ़ना है. तो यहाँ आने से ये एक अलग चीज़ मुझे सोचने को मिली है कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, मतलब सोसाइटी के लिए और दूसरों के लिए कुछ सोचना भी यहाँ पे मैंने सीखा है. और पढ़ने के साथ साथ यहाँ पे क्लीनलीनेस, दूसरों की हेल्प करना एंड
एंड बहुत सारी चीज़ें मतलब अलग यहाँ पे सोचने के लिए मिली. सो डेफिनेटली आई हैव चेंज्ड माय लाइफ. मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है मेरे आस पड़ोस के बच्चों के जो कि मतलब उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो कॉलेज या स्कूल जा सकें या फिर अफोर्ड कर सकें इतनी क्वालिटी एजुकेशन. बिकॉज हमारी सोसाइटी में क्या है कि आजकल हायर एजुकेशन पाने के लिए पैसे होना जरूरी है, बट यहाँ पे ऐसा है कि हमें क्वालिटी एजुकेशन के साथ क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है बट फ्री ऑफ कॉस्ट. तो दिस इज़ द मेन थिंग दैट वी आर प्रोवाइडेड हियर एंड देयरफॉर वी आई एम वेरी ग्लैड टू दैट आई एम स्टडी हियर. महाराज जी जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई है कि हम यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है वो बहुत ही मतलब इट्स आई कैन एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स दैट वॉट ही इज़ डूइंग फॉर अस. ही इज़ वेरी वेरी ग्रेट. जब मतलब कहीं जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ हमें ऐसी सुविधा नहीं मिली जो यहाँ पर मिल रही है. हमारी सोच इच्छा थी कि हम यहाँ पढ़ें पर आने जाने में दिक्कत थी इसीलिए हम नहीं पढ़ सके और पैसे की बहुत प्रॉब्लम थी. इसीलिए हमारे पापा कहे कि तुम जाओ वहाँ पढ़ो पहले इंट्रेंस पास करो. जब हम इंट्रेंस पास कर लिए तो हम यहाँ आए और यहाँ जो सुविधा हमें यहाँ मिली है वो और कहीं नहीं मिल सकती और हमारी लाइफ बहुत अच्छी होगी आगे चल के. यहाँ बहुत अच्छे टीचर हैं जो पढ़ाते हैं. ये सब नॉलेज हमें जो यहाँ से मिला है वो और कहीं से नहीं मिल सकता. हमारे बचपन से मतलब इच्छा है कि हम एक IAS ऑफिसर बनेंगे. यहाँ आने से हमें जो शिक्षा मिल रही है इससे हमें लग रहा है कि हम एक IAS ऑफिसर बन गए. हमारे जगत गुरु के पालू जी महाराज जो हैं हमारे हम लोग पढ़ नहीं सकते थे लेकिन आज इनकी वजह से हम आज BSc कर रहे हैं. नहीं तो हम BSc ना कर पाते क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था और इसलिए महाराज जी हैं जो हमारे लिए किए हैं उसका हम बहुत आभारी हैं. सबसे पहले हम जगत गुरु कृपालु महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमें इतनी अच्छी लाइब्रेरी दी है कि हम जैसे गरीब बच्चों के लिए बुक जो होती है उपलब्ध नहीं हो पाती. घर में इतने पैसे नहीं रहते कि ले लिए जाए और यहाँ पर एक दो बुक तो ले लेते हैं लेकिन बहुत सारी बुक्स नहीं ले सकते और बहुत सारी बुक्स को लेके पढ़ने से एक अच्छा उसमें मैटर मिलता है और इससे हम लोग बहुत आगे जाते हैं. हम इस यहाँ की लाइब्रेरी से पढ़ के पहले घर की बुक से पढ़ते थे इतने अच्छे नंबर नहीं आते थे. जब लाइब्रेरी में आकर हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ी उसमें बहुत सारे टॉपिक्स मिले और हमेशा यहाँ न्यू बुक आती रहती हैं उससे हम लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं. पर इतनी अच्छी लाइब्रेरी देने के लिए महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद. और हमें ऐसा लगता है कि इस लाइब्रेरी से हम जो कुछ भी इकट्ठा कर रहे हैं हमें बहुत आगे जाके बहुत अच्छा और बहुत विस्तार रूप में आगे की ओर सक्सेसफुल करें. चेंज यहाँ पढ़ने के बाद देखिए आप अलग कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो ठीक है पढ़ाई 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 बट यहाँ जो इन्वायरमेंट मिलता है स्पिरिचुअल या और चीज़ें डिफरेंट चीज़ें तो उसके कारण आप बहुत अच्छे से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं कंसंट्रेट कर सकते हैं. बाकी कॉलेजेस में आपको टीचर्स मिलेंगे सब कुछ मिलेंगे बट जो इन्वायरमेंट यहाँ पे जो आपको फोर्स करता है पढ़ने के लिए वो शायद कहीं नहीं मिलेगा. तो ये चेंज आया है यहाँ आने के बाद. आप मतलब खुद ब खुद ये होगा कि आप कितना ज़्यादा पढ़ें कितना ज़्यादा सोसाइटी के लिए करें क्योंकि आप प्रैक्टिकली देखते हैं कि हाँ सब महाराज जी या दीदी लोग कैसे सबके लिए कर रहे हैं तो आपके मन में भी ये होता है कि हाँ कुछ करें. सच में यहाँ पे इंडिया छोड़िए आप हमारे रूरल एरिया जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे तो गर्ल्स की एजुकेशन बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है बट यहाँ पे है कि आपको फ्री एजुकेशन मिल रहा है सब कुछ मिल रहा है. तो पेरेंट्स भी बहुत लोगों की सोच ऐसी है कि हाँ बेटे को पैसा किसी तरीके से बड़े कॉलेज में पढ़ा देंगे बट लड़कियों को नहीं पढ़ाते. तो यहाँ फ्री एजुकेशन मिलने के कारण ये होता है कि लड़कियाँ भी पढ़ पाती हैं आगे बढ़ पाती हैं. महाराज जी एंड प्रेसिडेंट्स हमारे कॉलेज के या दीदी लोग हम कह सकते हैं वो तो मेरी लाइफ के पर्सनली सबसे बिगेस्ट इंस्पिरेशन है मेरे लिए. इतना सब कुछ करना सोसाइटी के लिए बच्चों को बढ़ाने के लिए गरीबों के लिए हर चीज़ एक एक चीज़ ये बहुत बड़ी चीज़ होती है अगर आप सोचिए. सच में मेरे लिए तो बिगेस्ट इंस्पिरेशन है और बस उन लोग के लिए तो यही कहूँगी. Thank you.
take one single breath for granted. God forbid love ever leave you empty-handed. I hope you still feel small when you stand beside the ocean. Whenever one door closes, I hope one more opens. Promise me that you'll give faith a fighting chance. And when you get the choice to sit it out or dance, I hope you dance. I hope you dance. I hope you never fear those mountains in the distance. Never settle for the path of least resistance. Living might mean taking chances, but they're worth taking. Loving might be a mistake, but it's worth making. Don't let some helping heart leave you bitter. When you come close to selling out, reconsider. Give the heavens above more than just a passing. When you get the choice to sit it out or dance, I hope you do. Promise me that you'll give faith a fighting chance. And when you get the choice to sit it out or dance.